नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एक्साइटिंग नए वीडियो में। आजकल मैट फिनिश स्क्रीन प्रोटेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो बना चुका हूँ। और अगर आपके फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो मैट फिनिश स्क्रीन गार्ड दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइप के जो स्क्रीन गार्ड होता है इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। पहला चीज़, इस टाइप के स्क्रीन गार्ड ग्लास से नहीं प्लास्टिक से बनाया जाता है और इसकी वजह से इसमें स्क्रैचेस लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी के साथ साथ ये आपके फ़ोन के स्क्रीन को टूटने से बचाता नहीं है। और ये जो स्क्रीन गार्ड होता है ये पूरे स्क्रीन को कवर नहीं करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गियर वाले वेबसाइट लेके आ चुका है एक ऐसा स्क्रीन गार्ड जो कि ग्लास का है, मैट फिनिश है और इसी के साथ साथ आपके पूरे स्क्रीन को ये कवर कर लेता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये कैसे अपने फ़ोन में आप इसको लगा सकते हो और इसका क्वालिटी कैसा है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वाले एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ट्रूली इंडियन वेबसाइट है और इसमें आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको इसमें स्क्रीन गार्ड से लेके स्मार्टफोन स्किन, इसी के साथ साथ स्मार्ट बैंड का एक्सेसरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस टाइप के टेम्पर्ड ग्लास को परचेज करना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये है रियलमी X2 और आज मैं इसी फ़ोन में जो टेम्पर्ड ग्लास है इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको अपने फ़ोन में लगा सकते हो और इसका क्वालिटी कैसा है। तो जब भी आप टेम्पर्ड ग्लास को ऑर्डर करते हो तो आपको इस टाइप का एक बॉक्स देखने को मिलेगा और इनका जो कुरियर पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से ये लोग पैकिंग किए थे। तो जो मेन बॉक्स है आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा और ये जो वेबसाइट है ये इंडियन है और पीछे आपको यहाँ पर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि इसमें आपको 9H कार्ब ग्लास देखने को मिल जाता है, इसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाता है और इसी के साथ ये टेम्पर्ड ग्लास है और इसमें आपको ओलियोफोबिक कोटिंग भी देखने को मिलता है और इसको आपको कैसे अप्लाई करना है इसका भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप का एक पोस्टर। तो अगर आप इनके वेबसाइट से कोई भी चीज़ को परचेस करते हो और रिव्यू करते हो तो आपको इनके तरफ से फ्री गिफ्ट देखने को मिल सकता है, तो इसका पूरा डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मिलता है कुछ क्लीनिंग वाइप्स, नेक्स्ट आपको मिलता है कुछ इस टाइप का एक गाइडिंग स्टिकर और इसके बाद आपको मिलेगा मेन टेम्पर्ड ग्लास। तो ये जो ग्लास है ये रियलमी X2 या फिर XT के लिए है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का एक टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ एक स्किन भी उन लोगों ने भेजा है। तो यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर वाला फिनिश देखने को मिलता है। तो आप इनके वेबसाइट से अपने पसंद का कोई भी मोबाइल स्किन को भी ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए जो टेम्पर्ड ग्लास है हम इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने फ़ोन पर। तो सबसे पहले मैं जो ये स्क्रीन गार्ड है इसको मैं उतार देता हूँ। तो ये जो स्क्रीन गार्ड है ये मैट फिनिश है लेकिन ये प्लास्टिक से बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डस्ट एब्जॉर्बर है इसको मैं निकाल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो डस्ट है इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आपको कुछ ऐसे इसको लेना है और इसके बाद यहाँ पर जो ईयर पीस में जो यहाँ पर डस्ट है उसको आपको ऐसे निकालना होगा। इसके बाद जो क्लीनिंग वाइप दिया गया है इसको आपको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 है इसको आपको निकालना होगा। इसके बाद जो स्क्रीन है इसको आपको अच्छे तरीके से साफ करना होगा और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि स्क्रीन के ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं आना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो घर का फ़ैन है इसको आप सबसे पहले ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आप इसको क्लीन कीजिए। इसके बाद आपको जो नंबर 2 वाला वाइप है इसको आपको निकालना है जो कि एक ड्राई वाइप है और उसके बाद स्क्रीन को अच्छे से साफ़ करना होगा। तो अभी अच्छे से साफ़ हो चुका है और इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। तो अभी आपको जो टेम्पर्ड ग्लास है उसको आपको लेना है और इसके बाद पीछे का जो स्टिकर है इसको आपको काफ़ी ध्यान से निकालना होगा और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इसके ग्लू पार्ट पे आपको जो उंगली है इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसे इसको अलाइन करना होगा। और इसके बाद जो बबल्स है वो अपने आप निकाल जाएगा कुछ ऐसे और इसके बाद अगर कोई भी एक्स्ट्रा बबल्स है तो उसको आपको ऐसे यहाँ पर दबा के निकालना होगा। तो ये देखिए जो टेम्पर्ड ग्लास है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर लग चुका है। तो अभी हम जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है।
और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि इसका जो फ्रेम है यहाँ पर आपको ब्लैक बॉर्डर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसमें कोई भी टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है। तो इसकी वजह से जो फ़ोन का पूरा स्क्रीन है ये कवर हो जाता है और जो स्क्रीन का लुक है वो भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए अभी जो स्किन है इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे फ़ोन में ये कैसा लगता है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको सबसे पहले जो पीछे का पैनल है इसको आपको काफ़ी अच्छे से साफ़ करना होगा। इसके बाद जो कैमरा का कटआउट है इसके साथ आपको इसको अलाइन करना होगा और इसके बाद आपको कोई भी एक कार्ड लेना है और इसके बाद कुछ ऐसे आपको इसको अप्लाई करना होगा। और अगर ये ठीक से अप्लाई नहीं होता है तो आप इसको ध्यान से उतार लीजिए और उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए। और ये देखिए जो स्किन है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट टाइप का स्किन देखने को मिलता है जिसमें आपको कार्बन फाइबर वाला फिनिश देखने को मिलता है। तो ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और आपके फ़ोन का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा ये कर देता है। और इससे आपके फ़ोन का जो पीछे का बैक पैनल है इसमें स्क्रैचेस भी नहीं आता है। तो मैट फिनिश टेम्पर्ड ग्लास में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि जो स्क्रीन है ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और अगर आपके फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो डिस्प्ले दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी कम आता है। और इसी के साथ साथ जो खास बात है कि इसमें आपको फिंगर स्मैचेस देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से स्क्रीन को बार बार क्लीन करने का कोई भी झंझट नहीं है। और ये जो टेम्पर्ड ग्लास है इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर आपके फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और जो इनके मोबाइल स्किन है इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये मैट फिनिश टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि मैक्सिमम मार्केट में आप जो टेम्पर्ड ग्लास देखते हो जिसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है वो बेसिकली ग्लास नहीं प्लास्टिक का होता है, लेकिन इसमें आपको रियल ग्लास देखने को मिलता है और इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इस टाइप के टेम्पर्ड ग्लास को परचेस करना चाहते हो या फिर इस टाइप के स्किन को परचेस करना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो आप ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो भी आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।